हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित गायकवाड़ एरोंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एरोंस की तरफ से पोर्टेबल स्पीकर में नया सीरीज, जिसका मॉडल है पावर प्लस और उसी के साथ साथ APS 412। ये दो स्पीकर्स है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इस प्रोडक्ट के फंक्शंस के बारे में हम बताने वाले हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप ये मिस करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ लोग इस स्पीकर को जैसे यूज करते हैं वैसे ही नाम दे देते हैं, जैसे कि पोर्टेबल स्पीकर, पार्टी स्पीकर या फिर कराओके स्पीकर। लेकिन आप कुछ भी कहो, ये है एक पोर्टेबल PA सिस्टम। यह प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, एक आदमी आसानी से कैरी कर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह पे भी मूव भी कर सकता है। मूविंग करने के लिए इसके पीछे ट्रॉली लगी हुई है। यह प्रोडक्ट आप क्लास में स्पीच देने के लिए, मीटिंग में भी स्पीचेस के लिए यूज कर सकते हैं, सिंगिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कराओके के लिए यूज कर सकते हैं, घर में पाठ पूजा के लिए भी यूज कर सकते हैं। एरोंस की इस दो प्रोडक्ट की खासियत बताना चाहूंगा कि ये दोनों भी प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। तो आइए इस प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ जानते हैं और इसके साथ क्या क्या मिलता है ये भी जानते हैं। ये है पावर प्लस का फ्रंट साइड। इसमें 12 इंच का स्पीकर है, 1 इंची की हाइज है। ये है इसका साइड व्यू। कैरी करने के वक्त आसानी होने के लिए इसे साइड में एक हैंडल दिया गया है। ये है पावर प्लस का बैक साइड विद ट्रॉली। हम आपको बैक साइड का पैनल अच्छी तरह से समझाने के लिए इस ट्रॉली को निकाल रहे हैं। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि ये ट्रॉली ना निकाले। ये है पावर प्लस का बैक पैनल। इस सिस्टम में जो एम्पलीफायर लगा हुआ है उसका आउटपुट पावर 8 ओम पे 120 वाट है और 4 ओम पे 150 वाट है। यह है पावर सॉकेट। इस पावर सॉकेट में पावर कॉर्ड प्लग इन करने के बाद यहाँ पे ऑरेंज लाइट ग्लो होगी। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम जो है वो चार्ज हो रहा है। यही ऑरेंज लाइट ग्रीन होने का मतलब है ये सिस्टम जो है फुल चार्ज हो चुका है। अभी हम यहाँ से पावर कॉर्ड प्लग आउट कर रहे हैं। यह है पावर ऑन ऑफ स्विच। इसे प्रेस करने के बाद ग्रीन लाइट ग्लो होगा और डिस्प्ले भी ऑन हो जाएगा। इसका मतलब जो है ये सिस्टम ऑन हो गया है। दो जैक इनपुट गिटार और वायर्ड माइक इनपुट के लिए, ये आईपॉड MP3 इनपुट, ये यूज करने के लिए आपको EP2EP मतलब ऑक्स वायर यूज करना पड़ेगा। लाइन इन इनपुट मोबाइल कनेक्ट करने के लिए, मिक्स आउटपुट इसमें 2RC to 2RC वायर यूज करके ऐसे ही सेम सिस्टम को लूप कर सकते हैं। मिक्स आउटपुट में किसी भी तरीके का इनपुट नहीं देना है। स्पीक ऑन आउटपुट, इस स्पीक ऑन आउटपुट में किसी भी तरीके का इनपुट नहीं देना है। ये है UHF वायरलेस माइक्रोफोन के नॉब्स। यही नॉब ऑन ऑफ स्विच की तरह वर्क होंगे, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये दो एंटीना UHF वायरलेस माइक के लिए है। UHF माइक का रेंज जो है अप टू 10 मीटर है। माइक वॉल्यूम नॉब, इको नॉब, ट्रबल नॉब, बेस नॉब, मेन वॉल्यूम नॉब, टॉक ओवर स्विच। जब कोई पार्टी चालू है और आप कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो ये टॉक ओवर स्विच यूज होगा। वो कैसे, ये हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे ऊपर में जो है मल्टीमीडिया सेक्शन विद डिजिटल डिस्प्ले। इसमें SD कार्ड पोर्ट है, USB पोर्ट है, मोड बटन है, प्रीवियस बटन है, नेक्स्ट बटन, रिकॉर्ड बटन, स्कैन और प्ले और पॉज बटन है। और ये है IR सेंसर जो आप रिमोट इस्तेमाल करते वक्त वर्क होगा। तो आइए इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है ये हम जानते हैं, और डेमो करते समय हम आपको APS 412 स्पीकर कैसे यूज करना है ये भी बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि पावर प्लस कैसे यूज करना है। अभी हम पहले यहाँ पे ये जो वायर्ड माइक कैसे कनेक्ट होगा ये हम आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पे वायर्ड माइक यूज किया है, ये वायर्ड माइक है और ये हम लोग P38 जैक से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे इनपुट देने के बाद फिर हम लोग ये जो माइक वॉल्यूम नॉब है ये ओपन करेंगे कुछ इस तरह से। ये ओपन करने के बाद मेन वॉल्यूम नॉब जो है वो भी ओपन करेंगे और एक बार चेक करते हैं कि आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। हेलो चेक, हेलो आउटपुट अभी आ रहा है,
अभी हमको ये ध्यान देना है कि ट्रबल और बेस नब ओपन करेंगे हम। ये ओपन करके आप अपने हिसाब से टोनालिटी सेट कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। एक बार आप सुन सकते हैं। चेक, वन टू, चेक। ये है इको नब। इस इको नब को यूज करके आप अपने वॉइस में कुछ इफेक्टिवनेस ला सकते हैं। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप सुन लीजिए। कुछ इस तरह से आपको वायर्ड माइक यूज करना है। अभी हम आपको बताते कि यहाँ पे ये लाइन इन इनपुट कैसे यूज करना है। लाइन इन इनपुट यूज करते समय आपको ये ध्यान देना है कि पावर प्लस के साथ आपको ये इस तरह की मोबाइल डीजे कॉर्ड वायर आएगी, जिसमें से आपको यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड मार्किंग है और यहाँ पे ब्लैक मार्किंग है। तो ये जो रेड मार्किंग है ये यहाँ पे लाइन इन इनपुट पे कुछ यहाँ पे कनेक्ट करनी है नीचे वाली पोर्ट में, और ये जो ब्लैक मार्किंग है ये व्हाइट वाली पोर्ट में कनेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट कर सकते कुछ इस तरह से। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने यहाँ पे मोबाइल को कनेक्ट कर दिया। मोबाइल में कनेक्ट करने के बाद हम सॉन्ग प्ले करते हैं। अभी हमने सॉन्ग प्ले कर दिया है, लेकिन सॉन्ग का आउटपुट आने के लिए आपको मेन वॉल्यूम नॉब ओपन करना पड़ेगा, और टोनालिटी सेट करने के लिए सेम आपको ट्रबल और बेस आपके हिसाब से सेट करना है। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से आपका जो ये लाइनिंग इनपुट है वो यूज होगा। अभी हम आपको दिखाते कि ये जो टॉकर स्विच है वो कैसे यूज होगा। हम फिर से यहाँ पे ये वायर्ड माइक कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे वायर्ड माइक कनेक्ट कर दिया। अभी हमने पहले यहाँ पे टॉकर स्विच ऑन नहीं किया है, तो हम लोग ये लगा के चेक करते हैं कि कुछ चेंजेस आता है या नहीं आता है वॉइस में, कुछ इस तरह से। और मैं गाना भी प्ले करता हूँ, आप सुन सकते हैं। अभी हमने ये टॉकर स्विच ऑन नहीं किया था, तो आप सुन सकते हैं कि इसमें किसी भी तरीके का वॉइस कटिंग नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ये टॉकर स्विच जो है ये ऑन कर देता हूँ। ये ऑन करने के बाद आप सुन सकते हैं कि आप जो पार्टी ऑन रहेगी उसमें अनाउंसमेंट करने के बाद क्या चेंजेस आ जाएंगे, कुछ इस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी ये सॉन्ग ऑन कर देते हैं। हेलो, चेक वन टू, हेलो, चेक। ये आप देख सकते हैं कि टॉकर स्विच का यूज किस तरह से हो सकता है। हम लोग ने टॉकर स्विच ऑन करने के बाद जो सॉन्ग्स बैकग्राउंड में प्ले थे वो हम माइक में अनाउंसमेंट करने के बाद उसकी वॉइस जो है वो कट हो गई, मतलब कि कम हो गई, और माइक का वॉल्यूम जो है वो बूस्ट हो गया, मतलब कि बढ़ गया। तो आइए अभी हम जानते हैं कि ये वायरलेस UHF माइक्रोफोन्स कैसे यूज करने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो माइक के वॉल्यूम नॉब्स है ये ऑन ऑफ स्विच की तरह ही वर्क होंगे, कुछ उस तरह से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप जीरो पे रखते हैं तो ये ऑफ हो जाते हैं, और वैसे ही आप ओपन कर देते हो तो ये ऑन हो जाते, कुछ इस तरह से। अभी माइक यूज करते समय आपको ये ध्यान देना है कि माइक का ये जो स्विच है, ये स्विच अगर आप ये ऐसे ऑन कर देंगे बीच में रखेंगे तो ये माइक म्यूट्स हो जाएंगे। आपको पूरी तरह से ये स्विच जो है ये ऊपर करने हैं, कुछ इस तरह से। और अभी हम आपको दिखा दें कि माइक का आउटपुट किस तरह से आता है। ये दूसरा माइक भी हमने ऑन कर दिया है। कुछ इस तरह से आपको माइक यूज करने हैं। माइक यूज करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि ये जो इको नब, ट्रबल नब और बेस नब, चाहे आप वायर्ड माइक यूज करो या फिर वायरलेस माइक यूज करो, दोनों माइक यूज करते समय ये वर्किंग होंगे, और बेस और ट्रबल नब ऑल सिस्टम के लिए वर्क होगा। जैसे आप सॉन्ग्स प्ले करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसके आप उस आपके हिसाब से टोनलिटी सेट कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि अभी ये मल्टीमीडिया सेक्शन है ये कैसे यूज करना है। मल्टीमीडिया सेक्शन में आपको सबसे पहले मिलता है SD और MMC पोर्ट, जिसमें आप अपना बड़ा वाला साइज मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। इसमें आप कोई भी सॉन्ग्स या आपकी कोई भी ऑडियो फाइल्स रहेंगे आप इसमें लोड करके जो कार्ड्स में यहाँ पे प्लग इन करके
आप प्ले कर सकते हैं। उसका आउटपुट जो रहेगा ये मेन वॉल्यूम नॉब पे रहेगा। सेकंड आपको मिलता है यूएसबी पोर्ट, इसमें आप पेन ड्राइव इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम आपको पेन ड्राइव इंसर्ट करके दिखाते हैं। ये हमने यहाँ पे पेन ड्राइव इंसर्ट कर दिया। पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ये लिख के आएगा स्कैन यू डिस्क करके, और उसके बाद जो है ये लाइट ग्लो होना शुरू हो जाएगी, मतलब ऑफ ऑन हो जाएगी। आपके जो पेन ड्राइव में सॉन्ग्स है वो प्ले हो चुके हैं। उसका आउटपुट आने के लिए आपको मेन वॉल्यूम नॉब ओपन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। बेस और ट्रबल नॉब से आप आपके हिसाब से टोनलिटी सेंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपका यूएसबी पोर्ट जो है वो यूज होगा। अभी उसके आगे ही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन है, वो कैसे यूज होंगे ये बताते हैं हम आपको। अभी जैसे कि ये सॉन्ग अभी प्ले है तो हम इसका नेक्स्ट सॉन्ग लगाने चाहते हैं, तो यहाँ पे जो ये नेक्स्ट बटन है वो मैं एक बार प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाएगा कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये मैंने नेक्स्ट बटन प्रेस करने के बाद सॉन्ग चेंज हो गया। अभी मुझे वही इसके पिछले वाला सॉन्ग जो है, मतलब कि जो प्रीवियस सॉन्ग है वो प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे ये जो प्रीवियस बटन है वो एक बार प्रेस करूंगा तो जो पिछले वाला सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगा कुछ इस तरह से। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तरह से नेक्स्ट और प्रीवियस बटन, ये दो बटन सबके ऐसे यूज होंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि ये प्ले और पॉज जो बटन है वो कैसे यूज होता है। जैसे कि अभी आपका ये सॉन्ग प्ले है, तो अगर आप ये सॉन्ग प्ले जो प्ले है सॉन्ग उसको आप पॉज करना चाहते हैं तो वो इस बटन को आप एक बार प्रेस करेंगे तो वो सॉन्ग जो है वो पॉज हो जाएगा कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने बटन ये एक बार प्रेस कर दिया तो यहाँ पे लिख के आया, देखिए पॉज करके। अभी वही सॉन्ग मैं दोबारा प्ले करना चाहता हूँ तो उसी बटन को मैं एक बार फिर से प्रेस करूंगा तो वो सॉन्ग प्ले हो जाएगा कुछ इस तरह से। आप देखिए कुछ इस तरह से आप ये जो है बटन्स यूज कर सकते हैं, प्रीवियस बटन, नेक्स्ट बटन और प्ले और पॉज बटन। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है। जैसे कि अभी ये रिकॉर्ड बटन है, ये यहाँ पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। आप रिकॉर्डिंग कौन से भी माइक से कर सकते, चाहे आप वायरलेस माइक से भी कर सकते या वायर्ड माइक से भी कर सकते। तो हम आपको यहाँ पे ये जो वायर्ड माइक है, ये वायर्ड माइक से हम लोग आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं। अभी रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं इस बटन को एक बार प्रेस करूंगा। वो प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से माइक वॉल्यूम ओपन करूंगा। माइक वॉल्यूम ओपन करने के बाद मैं चेक करूंगा कि आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। हेलो चेक 1 2 हेलो चेक, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। चेक टेस्ट 1 हेलो चेक रिकॉर्डिंग चेक 1 2 2 हेलो चेक चेक। अभी ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अभी इसको सेव करने के लिए सबसे पहले मैं इसको एक बार ये पॉज बटन दबाऊंगा। पॉज करने के बाद जो रिकॉर्डिंग है वो पॉज हो जाएगी। अभी उसको सेव करने के लिए मैं एक बार ये रिकॉर्ड बटन प्रेस करूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग का आउटपुट आने के लिए आपको ये मेन वॉल्यूम नॉब जो है वो ओपन करना पड़ेगा। पहले मैंने मेन वॉल्यूम नॉब जो है ओपन किया आउटपुट आने के लिए। अभी रिकॉर्डिंग सेव करने के लिए मैं एक बार फिर से ये रिकॉर्ड बटन प्रेस करूंगा तो आपका रिकॉर्डिंग जो है वो सेव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है। तो आइए अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें ब्लूटूथ मोड कैसे यूज होगा।
अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ से ये जो पेन ड्राइव है ये प्लग आउट कर रहे हैं। ये मैंने पेन ड्राइव प्लग आउट कर दिया पेन ड्राइव। यहाँ पे जो मोड बटन है ये मोड बटन एक बार मैं प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद यहाँ पे ब्लूटूथ करके लिख के आएगा। फिर हमें हमारा जो ब्लूटूथ डिवाइस है, जैसे आपको मोबाइल या और कोई ब्लूटूथ डिवाइस है, इसमें ब्लूटूथ सेक्शन में जाके आपको ब्लूटूथ ऑन करना है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है अदर डिवाइस में आपको दिखाई देगा कि ये ब्लूटूथ करके लिख के आया है, तो उसको आपको कनेक्ट करना है। लेकिन मैं यहाँ पे मेन वॉल्यूम नॉब थोड़ा सा ओपन करूंगा, क्योंकि जब ब्लूटूथ पेयर हो जाएगा तो एक टोन ये जो सिस्टम है ये प्ले कर देगा, कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा जो है टोन जो आया एकदम नॉब करके वो आपको सुनाई देगा। अभी ये जो आवाज आने के बाद आपको ये समझ जाना है कि आपका जो सिस्टम जो है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे कनेक्टेड भी लिख के आएगा। अभी मैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले करता हूँ। सॉन्ग प्ले करने के बाद मुझे ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आप आपके हिसाब से टोनलिटी सेट करके रखेंगे, और ब्लूटूथ का जो आप भी कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे तो उसका आउटपुट ये भी मेन जो ये मेन वॉल्यूम नॉब है इसके ऊपर रहेगा, कुछ इस तरह से। अभी मैं ये सॉन्ग प्ले कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको ब्लूटूथ जो है वो यूज करना है। इसी तरह से आपको मल्टीमीडिया सेक्शन यूज करना है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि APS 412 को कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे ये जो स्पीक ऑन आउटपुट है, यहाँ से हम लोग जो है स्पीक ऑन टू स्पीक ऑन वायर से APS 412 को कनेक्ट करेंगे। वो कैसे ये हम आपको बताते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पावर प्लस के साथ APS 412 कैसे कनेक्ट करना है। ये है APS 412, ये पैसिव स्पीकर है। इसका आउटपुट पावर जो है 150 वॉट है, और ये जो पावर प्लस स्पीकर है इसका आउटपुट पावर 8 ओम पे 120 वॉट है और 4 ओम पे 150 वॉट है। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये इसको मैच करके बनाया गया है। तो आइए अभी हम जानते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो जब भी आप APS 412 ये स्पीकर जब आप परचेस करते हो तो आपको इसके साथ स्पीक ऑन टू स्पीक ऑन वायर मिलेगा, जिसमें ऐसे कुछ वायर रहेगी और इसे दो स्पीक ऑन कनेक्टर्स रहेंगे। उसमें से ये जो स्पीक ऑन कनेक्टर है ये आपको ये पावर प्लस के स्पीक ऑन आउटपुट में ऐसे कुछ इस तरह से प्लग इन करना है, और दूसरा जो है दूसरा ये जो कनेक्टर है ये आपके APS 412 में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे कनेक्ट करना है। तो इसी तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये कनेक्शन 4 ओम हो जाएगा। तो 4 ओम पे ये एम्पलीफायर जो है ये 150 वॉट आउटपुट देगा, तो ये अच्छी तरीके से इसे ड्राइव कर देगा। तो आइए अभी हम इसका डेमो देखते हैं। ये जरूरी नहीं कि पावर प्लस के साथ आपको APS 412 ये खरीदना ही है। अगर आप फ्यूचर में पावर प्लस का आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो आप APS 412 है वो खरीद सकते हैं। जैसे आपको चाहिए तो आप पावर प्लस सिंगल भी खरीद सकते हैं, और चाहिए तो APS 412 के साथ भी खरीद सकते हैं।
ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।